हेलो एवरीवन, मैं आप सबका एक बार फिर वेलकम करती हूँ माय लीगल कोर्ट पे। आई एम डॉक्टर तजल्ली ग्वाशियार। आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आप अपनी इकोलॉजी मजबूत कर लेंगे तो एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में सही हो जाएंगे और ओवरऑल मार्क्स में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डिस्कस करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब करें। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.mylegalcode.com पे। आप हमें अपनी क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 9995444440 पर। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको मैं टॉपिक का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आज का टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सेट 1। सबसे पहले जानते हैं बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग और डायवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं, वैरायटीज, फ्लोरा और फौना यानी प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग तरह की रेंजेस, भिन्न भिन्न तरह की रेंजेस किसी इकोसिस्टम में मिलती हैं तो वो कहलाती हैं बायोडायवर्सिटी। जो बायोडायवर्सिटी टर्म्ड है वो गिवन बाय है वॉल्टर जी रॉसेन द्वारा 1985 में। फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी एडवर्ड ओ विल्सन है। यूएन के अनुसार मई 22 को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मनाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम सेट 1 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सोटिक स्पीशीज आर। एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती हैं? ऑप्शंस है ए ऑफन एंडेंजर्ड, बी यूजुअली इंक्रीज बायोडायवर्सिटी, सी ऑफन एनहेंस द हैबिटेट फॉर नेटिव स्पीशीज एंड डी यूजुअली रिड्यूस बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले जानते हैं एक्सोटिक स्पीशीज के बारे में। एक्सोटिक स्पीशीज का मतलब होता है फॉरेन स्पीशीज, एलायंस स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जो बाहर से आती हैं किसी अलग एनवायरनमेंट में, किसी अलग इकोसिस्टम में। आपको बताना है कि एक्सोटिक स्पीशीज दिए गए ऑप्शन में से क्या करती हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूजुअली रिड्यूस बायोडायवर्सिटी। ये जनरली बायोडायवर्सिटी को कम कर देती हैं। इसका रीजन ये होता है कि जो स्पीशीज पहले से रह रही होती हैं यानी नेटिव स्पीशीज, उनका शिकार करने वाले, उनका रिएक्शन जानने वाले ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जो एक्सोटिक स्पीशीज आती हैं, जो नई स्पीशीज फॉरेन स्पीशीज आती हैं, उनका रिएक्शन, उनका केमिकल कंपाउंड वो सब शिकारी नहीं जानते हैं, इसलिए वो बची रहती हैं और बाकी नेटिव स्पीशीज को थ्रेट कर देती हैं, हार्म कर देती हैं। आपकी 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पेज नंबर 259 पे एक टॉपिक दे रखा है एलायन स्पीशीज इन्वेजन के बारे में। उसमें आपको एक्सोटिक स्पीशीज के अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि कैरेट ग्रास जिसे हम पार्थीनियम बोलते हैं, लेंटाना, वाटर हायसिंथ, इकोर्निया, ये फेमस है काफी बायोडायवर्सिटी को हार्म करने के लिए। एक और एग्जाम्पल है अफ्रीकन कैटफिश का जिसका नाम है क्लेरियस ग्रे पाइनस। वो एक्वाकल्चर में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है लेकिन वो इंडिजीनियस कैटफिश को थ्रेट करना, हार्म करना स्टार्ट कर देती है। ये कुछ एग्जाम्पल है एक्सोटिक स्पीशीज के, एलायंस स्पीशीज के। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे एग्जाम्पल एक जगह नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज What is genetic diversity? क्वेश्चन पूछ रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। आपकी 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पेज नंबर 259 पे एक टॉपिक दे रखा है जिसमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी और उनके एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। So, सबसे पहले जानते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। अ सिंगल स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज जो शो करती है हाई डाइवर्सिटी, अधिक भिन्नताएं, अधिक वैरायटीज एक जेनेटिक लेवल पे, एक एरिया में, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में मोर देन 50,000 से भी ज्यादा जेनेटिकली अलग अलग स्ट्रेन वैरायटी राइस की मिलती है। एग्जाम्पल के तौर में बासमती, जैस्मिन, सुशी, कैरोलिना गोल्ड राइस और हजार वैरायटी मैंगो की मिलती है। आपने नाम सुना ही होगा दशहरी, लंगड़ा, बादामी, चौसा। तो क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन विद इन ऑल इंडिविजुअल्स और स्पीशीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस
थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे ज्यादा हार्म इसमें से कौन बायोडाइवर्सिटी को करता है। सो ऑप्शन देखते हैं, ए कंपटीशन फ्रॉम एग्जॉटिक स्पीशीज, बी कमर्शियल हार्वेस्टिंग, सी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वेल, क्वेश्चन पढ़ने के बाद और उसके ऑप्शन देखने के बाद पता चलता है कि सारे ऑप्शन बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट करते हैं, हार्म करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट सीरियस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल होम, फ्लोरा और फौना का उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना, उनकी तबाही हो जाना सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती है, इफेक्ट करती है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैनमेड एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, वनों की छटाई, पेड़ों की कटाई, माइनिंग और लॉगिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इज द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है बराबर मात्रा में एक सामान्य अनुपात में अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्रजाति का एक एरिया में रहना क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी स्पीशीज रिचनेस, ऑप्शन सी डाइवर्सिटी इंडेक्स एंड ऑप्शन डी स्पीशीज इवननेस। सबसे पहले जानते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया। किसी भी एरिया में अलग अलग स्पीशीज का नंबर कहलाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर हम स्पीशीज ज्यादा करेंगे तो उसका रिचनेस, उस स्पीशीज का रिचनेस बढ़ जाएगा। स्पीशीज इवननेस क्या होती है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया। मतलब अलग अलग स्पीशीज की अप्रोक्स एक ही मात्रा में अबंडेंस हो, उनकी मात्रा एक ही हो अप्रोक्सीमेटली किसी एरिया में, वो कहलाती है स्पीशीज इवननेस। अगर हम सिमिलर अबंडेंस करेंगे तो इवननेस ज्यादा हो जाएगी। सो क्वेश्चन यही कह रहा था कि बराबर मात्रा में एक सामान्य अनुपात में डिफरेंट स्पीशीज का किसी एरिया में होना क्या कहलाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वो स्पीशीज इवननेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ, इन अ बायोस्फीयर रिजर्व द एरिया सराउंडिंग द कोर जोन इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन के बाद कौन सा एरिया आता है। सबसे पहले जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, बायोस्फीयर होता क्या है। सरफेस यानी तल और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का वो रीजन, वो हिस्सा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु रह रहे हों। बायोस्फीयर तीन तरह के जोन में डिवाइडेड होता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन का मतलब होता है जहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। बफर जोन में एजुकेशनल रिसर्च अलाउ होती है और जो लास्ट है ट्रांजिशन जोन, वहां पर मैनेजमेंट स्किल नॉलेज और स्मॉल एक्टिविटीज अलाउ होती है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो कोर जोन है उसके बाद कौन सा जोन आता है। तो क्लियर है आप सबको, बफर जोन आता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सिक्स, बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिकॉज इन द फॉर्मर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से क्या रीजन है कि बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग है। सबसे पहले देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है, जैसे कि लाइफ स्टॉक, ग्रेजिंग और प्रोटेक्टेड एरिया और फेवरेबल कंडीशन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को दिया जाता है। नेशनल पार्क में सारा सेट यानी फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्शन दिया जाता है और दोनों इंक्लूड होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग कैसे है। सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, पीपल आर एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द सिस्टम। इस बायोस्फीयर रिजर्व सिस्टम का पीपल एक इंट्रीगल, एक अहम पार्ट है। प्रेजेंट डाटा के हिसाब से इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तादाद 551 है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है और नेशनल पार्क 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम। बायोडाइवर्सिटी की डिग्री रेंज इंक्रीज कहां से कहां होती है। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और पोल्स को ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी है पोलर टू इक्वेटर, ऑप्शन सी लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड एंड ऑप्शन डी लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड। सो आपका आंसर है बी,
पोलर टू इक्वेटर यानी कि जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि लैंड ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पे इक्वेटर पे कंपैरेटिवली पोलर के ध्रुव एरिया के, और स्पीशीज जो होती हैं वो वार्म एरिया में गर्म जगहों पे ज्यादा रहती हैं कंपैरेटिवली कोल्डर एरियाज के। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8। अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट इफ इट हैज नॉट बीन सीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट फॉर। आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि कोई स्पीशीज कोई प्रजाति विलुप्त मानी जाती है जब तक के वो कितने साल तक अपने नेचुरल अपने कुदरती होम हैबिटेट में नहीं पाई जाती है। सो ऑप्शंस आर ए 15 इयर्स, बी 25 इयर्स, सी 40 इयर्स एंड डी 50 इयर्स। वेल, ये सारा डेटा IUCN के द्वारा डिसाइड किया जाता है। IUCN स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। पेपर में इसकी फुल फॉर्म IUCN की फुल फॉर्म आ जाती है। IUCN एक संस्था है जो कि रेड लिस्ट निकालती है जो क्लासिफाई करती है स्पीशीज को उनके एग्जिस्टेंस के हिसाब से, यानी कि कौन सी स्पीशीज ज्यादा खतरे में है, कौन सी विलुप्त होने वाली है और कौन सी अब कम मात्रा में पाई जाने लगी है। रेड लिस्ट की कैटेगरीज देखते हैं। फर्स्ट है डाटा डेफिशिएंट, सेकंड है लीस्ट कंसर्न, थर्ड है नियर थ्रेटेंड, फोर्थ है वल्नरेबल, फिफ्थ है एंडेंजर्ड, सिक्स्थ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सेवेंथ है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड लास्ट है एक्सटिंक्ट। सो अकॉर्डिंग टू IUCN 50 ईयर्स तक अगर स्पीशीज प्रजाति अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाई जाती है तो हम उसे विलुप्त एक्सटिंक्ट मानते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज। प्रजाति के एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तीकरण का कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शन में से रीजन नहीं है। ऑप्शन ए ब्रॉड निशे, बी लार्ज बॉडी साइज, सी नैरो निशे एंड डी लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अगर हम बात करते हैं लार्ज बॉडी साइज की, जैसे कि डायनासोर, उनका बॉडी साइज बड़ा था लेकिन उनका जो खाना था वो उनको पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा था और एक्सटिंक्शन उनका हो गया। नैरो निशे की बात करें तो वे स्पेसिफिक होती हैं, लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा फैली नहीं होती हैं, इसलिए उनका एक्सटिंक्शन होना, उस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होना लाजमी है। लास्ट ऑप्शन की बात करें लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो जीन का अगर वेरिएशन नहीं होगा, मान लीजिए राइस आपको एक ही तरह का मिले उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन है ही नहीं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और स्पीशीज एक्सटिंक हो जाएंगी। सो कुल मिला के आंसर ए आपका सही है, ब्रॉड निशे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है स्पीशीज एक्सटिंक्शन का। क्वेश्चन 10। विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कौन सा एनिमल सिंबल है। ऑप्शन ए डॉल्फिन, बी टाइगर, सी जायंट पांडा एंड डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। जायंट पांडा WWF का सिंबल था। जायंट पांडा एंडेंजर हो रहा था, विलुप्त हो रहा था, इसलिए उसके संरक्षण के लिए उसको सिंबल बनाया गया कि लोगों को जागरूकता हो। 11th क्वेश्चन इज डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप इज कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं ए पी डाइवर्सिटी, बी गामा डाइवर्सिटी, सी लैंडस्केप डाइवर्सिटी एंड डी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। वेल, बायोडाइवर्सिटी को तीन पार्ट में डिनोटेड करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी इट इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। इसका मतलब होता है ओवरऑल डाइवर्सिटी, पूरी डाइवर्सिटी अलग अलग इकोसिस्टम में एक रीजन में पाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। आपका क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट होम की, नेचुरल होम की डाइवर्सिटी टोटल लैंडस्केप पे क्या कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गामा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। एन आइलैंड इकोसिस्टम इज सेड टू बी मोस्ट वल्नरेबल। इसका मतलब है कि आपका आइलैंड इकोसिस्टम सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों कहलाता है। ऑप्शंस आर ए ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड लेसर नंबर ऑफ स्पीशीज, बी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, सी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज ओनली एंड डी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ओनली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वे स्मॉल साइज की वजह से लेस नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर पाती हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए आइलैंड इकोसिस्टम मोस्ट वल्नरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ दी इज एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से इन सीटू मेथड कंजर्वेशन का संरक्षण का कौन सा है। दुनिया भर में और देश में अलग अलग तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं, अलग अलग तरह के मेथड बनाए गए हैं कंजर्वेशन संरक्षण देने के लिए अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। इन सीटू और एक्स सीटू दो तरह के मेथड है कंजर्वेशन करने के लिए, तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन सीटू मेथड कौन सा है। सबसे पहले जानते हैं इन सीटू मेथड के बारे में। इन सीटू नेचुरल सराउंडिंग में स्पीशीज, इकोसिस्टम और नेचुरल हैबिटेट का कंजर्वेशन, मेंटेनेंस और रिकवरी करवाता है। व्हाइल एक्स सीटू को हम ऑफसाइट भी बोलते हैं, ये प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन एंडेंजर स्पीशीज की, वैरायटी की, ब्रीड की, प्लांट की, एनिमल की, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर की तरफ। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व है और बाकी बोटानिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्स सीटू के एग्जाम्पल है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेट एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है इंडिया का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिमालयन मस्कडियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, कश्मीर स्टैग, वाइल्ड एस। 12th NCERT बायोलॉजी चैप्टर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको सारे एग्जाम्पल एंडेंजर स्पीशीज के, वल्नरेबल के दिए गए हैं। मेक श्योर आप सारे उनको लिस्ट में तैयार कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट इज क्वेश्चन 15। डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस एडेप्टेड टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑन द गैलापागोस आइलैंड एंड ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर। क्वेश्चन बोल रहा है कि गैलापागोस आइलैंड में डार्विन द्वारा फिंचेस, वहां की जो बर्ड्स थी, उनकी बीक्स में, उनकी चोंच में डाइवर्सिटी देखी गई। उन्होंने एडेप्ट कर लिया था, अपना लिया था खाना या शिकार करने का अलग तरीका। तो इस तरह का एविडेंस किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, आपको ऑप्शन में से देखना है। सबसे पहले जानते हैं डार्विन के बारे में। डार्विन एक साइंटिस्ट थे जो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे और उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दिया था। सो ऑप्शन देखते हैं। ए इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन, बी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड डी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेचुरल सिलेक्शन दो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि बेस्ट एडेप्टेड होता है, अपनाया जाता है एनवायरमेंट द्वारा। सो ये था हमारा सेट वन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन फ्रॉम टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने जैसा बताया है वैसे ही आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार वीडियोस देखते रहिए, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, बायो की बुक एनसीईआरटी पढ़िए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बायोलॉजी को मजबूत करने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाइए उतनी आपकी बायोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी। आप बुक रटेंगे तो कभी आपको याद नहीं होगी, क्योंकि छोटी चीजें कभी भी याद नहीं होती, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे उतनी जल्दी याद होती जाएगी। इस वीडियो को तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विजिट कर सकते हैं आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पर। आप अपनी क्वेरीज हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990544440 पर। थैंक्स टू सब्सक्राइब, वीडियो को देखिए, कीप वॉचिंग माई लीगल कोड। थैंक यू एंड गुड लक।